देखिए अब साफ साफ तय हो गया है और अब तो जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को। देश जानना चाहता है, राजस्थान के सीनियर कांग्रेस लीडर, देश के सीनियर कांग्रेस लीडर और तीन बार के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ी बात कही है और चुनौती है मुझे मेरी तरफ से केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा, बड़ी बात होती है राज्य का एक मुख्यमंत्री चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है कि यदि ऑडियो गलत साबित हो गए और जो ये कह रहे हैं ऑडियो हमने तैयार किए हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या इतनी हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी में, केंद्र सरकार की बीजेपी में है कि वो सामने आकर कहे कि यदि ऑडियो सही साबित हो गए तो हम इस्तीफा दे देंगे। ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई को दो व्यक्तियों के बीच में लाकर जो छेड़ने की कोशिश वो गलत है। अशोक गहलोत जी ने मुद्दा उठाया है देश के लोकतंत्र को बचाने का। उन्होंने ये कहा है कि सरकारें बनती रही है, बिगड़ती रही है, लेकिन एक पहली बार ऐसा हुआ है और आज तो अखबारों के एडिटोरियल हैं, बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा है मछली मार्केट बन गए और एक कुर्सी मिल जाए तो दूसरी मुझे क्यों नहीं मिली। आप पार्टी के फ्रंट पर खड़े होकर और आवाज उठाते, पूरा देश ये देखता कि ये नौजवान लीडरशिप है जो अपने मन से, अपनी ताकत से लड़ती है, हम हाथ के निशान पर जीत कर आए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया कांग्रेस की विचारधारा और नीति पर चुनाव हुआ, जिस बीजेपी को हराया, आज बीजेपी के घर में झगड़ा चल रहा है। झगड़ा इस बात का है, आप खुद जानते हैं कि पहली बार मैंने ऐसा देखा है जब गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे सीनियर लीडर अब गजेंद्र सिंह जी शेखावत के प्रवक्ता बनकर यहां पर बोल रहे हैं। हालात देखिए, अब वक्त बदल गया है। और तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण, ये तय बात है। क्या आप वक्त बड़ा है, लेकिन इस वक्त में कोई ये समझे कि केंद्र की सरकार हमारे पास है, सत्ता हमारे पास है, हम पुलिस के दम पर, केंद्र की सरकार की ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, कहां से आया इतना पैसा बीजेपी के पास? इसका कारण नोटबंदी में घोटाला हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था 68,000 करोड़ का घोटाला हुआ, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी के कर्जे माफ हो गए, दुनिया जानती है। तब निर्मला सीतारमन जी ने कहा था, गुस्से में आकर कहा था कि ये तो सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, कोई शब्दों का हेर फेर नहीं है। मध्य प्रदेश में सबने देखा, खुलेआम तोड़फोड़ हुई, खुलेआम विधायकों की खरीद फरोख्त हुई। आज हमारे जो बागी लोग चले गए, फर्स्ट डे वो ये बयान देते हैं अल्पमत में है सरकार, हमारे पास 30 विधायक हैं। मुझे दुख इस बात का है कि यदि पायलट साहब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, उप मुख्यमंत्री पद दो पद और प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस आप जानते हो संगठन के कारण जानी जाती है, हमारे यहाँ पे अध्यक्ष के पद के मायने होते हैं, बार बार चीफ मिनिस्टर ने ये कहा और मैं आज आपसे कह रहा हूं हम मर सकते हैं, लेकिन जिस हाथ के निशान से जीत कर आए, जिस बीजेपी को हराया, आज उस बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान और देश की जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते। कौन है ये भंवरलाल शर्मा? ये भंवरलाल शर्मा वही है जिन्होंने भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार को तब गिरा रहे थे जब वो हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए क्लीवलैंड गए हुए थे, और जब वो वहां गए हुए थे वापस आए, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, किसी पार्टी में नहीं था, तब मैंने ये सतीश पूनिया जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मैं बयान गंभीरता से नहीं लेता, तब भी इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में मुझे गंभीरता से नहीं लिया था और ये चुनाव हार गए थे मेरे सामने। तो बड़ी बातें करना, झूठ बोलना, आप मुझे ये बता दो कहाँ है वसुंधरा जी, क्यों नहीं है वसुंधरा जी, इनकी मीटिंग में क्यों नहीं आती, क्यों बोल रहे हैं कैलाश मेघवाल, कौन है कैलाश मेघवाल? विधानसभा के अध्यक्ष हैं, नियम कायदे कानून को समझते हैं, वो जानते हैं इस तरह से सरकार नहीं गिराई जा सकती, सदस्यता चली जाएगी। आपने पूरी पार्टी को क्लिक कहा है, नीतियों, सिद्धांतों और कार्यों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, कहां आरएसएस का नीति सिद्धांत कार्य यही है कि चुनी हुई सरकारों को गिरा दें, नोट लेकर बैठे हैं, खुलेआम नोटों की बोली लग रही है। आप कह रहे हो बाड़ेबंदी, बाड़ेबंदी कांग्रेस की नहीं है, बाड़ेबंदी अब जो लोग हमारे विधायक गए वो अब बीजेपी के पेरोल पर है, आज तक एक बयान नहीं आया। रोज अशोक गहलोत सामने आते हैं, रणदीप सुरजेवाला सामने आते हैं, अविनाश पांडे सामने आते हैं,
गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा सामने आते हैं, हर आदमी कांग्रेस का सामने आता है। जो बागी है वो सामने क्यों नहीं आते? उनकी जगह सामने आती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, पूरी कहानी लिखी है, सब जवाब बीजेपी को देना है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ का जनरेटर है संबित पात्रा, खुद सुबह कह रहे हैं कि साहब ये तो ठीक है कि इन्होंने ये बता दे फोन टैपिंग कैसे हुई। अरे भाई साहब ये पूछ रहे फोन टैपिंग कैसे हुई, वो मान रहे हैं कि ये सब कुछ तो हुआ है। अरे तुम तो ये बताओ ये हॉर्स ट्रेडिंग कैसे हुई, ये मान रहे हैं वो ऑडियो सही है तो बयान दे दे, ऑडियो की जांच करा ले, सच्चाई सामने आ जाएगी। अशोक गहलोत जी ने इतनी बड़ी बात कही है, ये कल हम लोग बात कर रहे थे आपस में, मैं रघु शर्मा जी सब लोग, अशोक गहलोत जी ने जो इतना बड़ा बयान दिया कि मैं संन्यास ले लूंगा, उसके बाद कुछ बच गया? सामने आओ, सामने आकर बोलो, राजस्थान की जनता को फेस करो। आफ्टर ऑल ये निर्णय सिर्फ कांग्रेस बीजेपी पर लागू नहीं होगा, ये राजस्थान की जनता की वोट से चुनी हुई सरकार को आप नोटों से गिराना चाहते हो। तो जनता आज पूछ रही है, एडिटोरियल आ रहे हैं कि आखिर नोटों के दम पर हमारे वोट को क्यों तोला जा रहा है, हमारे साथ धोखा क्यों किया जा रहा है। हम अंतिम दम तक लड़ेंगे, आज हमारे पास नंबर गेम है, बहुमत है, इसीलिए तो आज बीजेपी बैकफुट पर है। यदि सरकार अलर्ट नहीं होती राज्यसभा चुनाव के समय, हिंदुस्तान के मीडिया ने क्या कहा, आप सब लोग क्या चर्चा कर रहे थे, ये सिर्फ नाटक है, ये तो ऐसे वैसे जो स्क्रिप्ट लिख दी, बहुत पहले से सारा काम चल रहा था, आप सबके समझ में आ गया। और बीजेपी तय करेगी कब किसको क्या बोल रहा है। यहाँ पे जो अंदर है एक एक एमएलए का फोन चालू है, उनके फोन चालू क्यों नहीं है, उनके फोन किसके पास है, किसने बंद कराए। कल जब वहां पे एसओजी की टीम गई, डेढ़ घंटे तक बाहर रोके रखा, आपने दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर दिया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हर राज्य में है, और कोई वहां पे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यहां आएगा, उनका अधिकार है जांच करने का, वॉइस सैंपल लेने का, वॉइस सैंपल नहीं देंगे। कल जैसे ही आए ऑडियो वगैरह, उसके बाद जबान चुप हो गई बहुतों की, ट्विटर की राजनीति कम कर दी, सबके समझ में आ गया कि उल्टा पड़ रहा है। और अभी तो बहुत कुछ, कोई गलत फहमी में नहीं रहे, अभी भी कांग्रेस के जो विधायक, निलंबन सबका नहीं हुआ रघु जी, कहीं निलंबन दो का हुआ है, बाकियों से मैं कहूंगा अभी भी आ जाए, जनता उनको यहाँ पर कांग्रेस के मंच पर देखना चाहती है। आज वो वहां छुप कर बैठे, उनके फोन बंद है, बीजेपी वाले यदि जबरन कर रहे हैं तो वीडियो डाले, उनके क्षेत्र की जनता उनकी इंतजारी कर रही है। जनता उनको माला तो तब पहनाएगी जब वो कांग्रेस के बनकर जाएंगे, और यदि बीजेपी के बनकर जाएंगे, कांग्रेस के साथ धोखा करके जाएंगे, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और 35 करोड़ में बिके हुए विधायक की चर्चा पूरे राजस्थान में होगी, तो वो जनता माफ नहीं करेगी। मैं आज आपसे कह सकता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस वक्त सच्चाई, ईमानदारी, शक्ति, भक्ति और संघर्ष हमारे साथ है, राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और मैं आज कह रहा हूं डेस्टिनी हमारे साथ है, वो सुदर्शन चक्रवाला हमारे साथ है, जीत हमारी है 100%। बीजेपी के घुटने टिकेंगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि बीजेपी ने जो पाप मध्य प्रदेश में किया, उस पाप का घड़ा राजस्थान में फूटा। एक मिनट, राजस्थान हाईकोर्ट